यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश में अब तक कोविड 19 से 33,050 लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 8,324 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस वायरस से 1,074 लोगों की मौत हुई है। वर्तमान में 23,651 लोगों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,600 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 19 मरीजों के मिलने से यहां प्रभावितों की संख्या अब 1,485 हो गई है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब तक 68 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उज्जैन में 4 नए मरीजों के साथ जिले में संक्रमितों की तादाद 127 हो गई है। यहां कोविड 19 से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में प्रभावितों की तादाद 500 से ज्यादा हो गई है। कल यहां 46 नए मरीजों का पता चला है। जबलपुर में कल 6 लोग और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे जिले में अब 84 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ग्वालियर में संक्रमितों का आंकड़ा स्थिर है। यहां 8 में से 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2 का इलाज जारी है। रायसेन के वार्ड नंबर 6 में 6 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली है। अब यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 20,000 कामगार अन्य राज्यों से लाए गए हैं। सभी के स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें अपने गृह जिले में भेज दिया गया है। प्रदेश के लगभग 1,00,000 कामगार विभिन्न राज्यों में काम करते हैं। इनमें से कुछ लोग वापस लाए जा चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी ICP केशरी ने बताया कि आज राजस्थान से करीब 7,000 और उत्तर प्रदेश से 3,000 श्रमिक लाए जा रहे हैं। गोवा से भी 1,600 श्रमिकों को वापस लाने की कार्रवाई की जा रही है। उधर प्रदेश में MG नरेगा योजना के अंतर्गत 22,000 से ज्यादा पंचायतों में 97,000 से अधिक रोजगार मूलक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 7,24,000 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। 67 वर्षीय ऋषि कपूर को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर लगभग 1 साल तक अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऋषि कपूर के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ऋषि कपूर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जीवंत और प्रिय इंसान थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभिनेता ऋषि कपूर के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऋषि कपूर को उनके प्रशंसक हमेशा याद रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभिनेता ऋषि कपूर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मंडला में डाक विभाग कोरोना संक्रमण काल में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संकट काल में भी डाक विभाग के डाकिये आवश्यक सेवाओं के तहत डाक और पार्सल लोगों के घरों तक पहुंचाते रहे। पेश है एक रिपोर्ट। डाक विभाग के मंडला संभाग के अंतर्गत मंडला व डंडौरी जिला में भी गरीबों के लिए अन्य जिलों से भेजी गई दवाइयों को समय पर पहुंचाने का कार्य किया गया है। उक्त दो जिलों में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किसी बैंक का खाता हो कैंप व सीधे घर जाकर डाकिया द्वारा हितग्राहियों को संकट काल में उपलब्ध कराई गई है। 1,36,00,000 रुपए की राशि हितग्राहियों को बैंक न जाकर उन्हें घर पर ही डाक विभाग के माध्यम से मिली है। मंडला से मैं शशांक चौबे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइयों को एक क्लिक से राशि वितरित करेंगे। कटनी जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई सिहोरा की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कल रात बड़वानी जिले के 7 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, इसमें से सेंधवा के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगरमालवा जिले की बड़ौद निवासी एक 30 वर्षीय महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज के संपर्क में आए परिवार के 11 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। शिवपुरी जिले में जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को सूती मास्क उपलब्ध कराए जाने, शहरी महिलाओं के पंजीयन और निर्मित मास्क के वितरण आदि व्यवस्था जिला स्तर पर किए जाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। टीकमगढ़ में सब्जी, फल और दूध विक्रेताओं का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सतना जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए 109 उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी का काम चल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा की